से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं Redmi Note 13 Pro का। तो ये रेड बॉक्स में निकला है, एक और रेड बॉक्स, इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या निकला है। ओके, Redmi ने दिया है सबसे पहले, जो Redmi पहले ट्रांसपेरेंट कवर देता था लेकिन अभी दिया है Redmi ने एक ब्लैक कलर का TPU जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें ये बुक है, इसकी ज़रूरत रहने नहीं वाली है क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। ये मिलने वाला आपको सिम नोइसी जो आपको सिम लगाने में काम में आने वाला है। और देखते हैं अभी, ओहो ये Note 13 Pro, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं बॉक्स में और क्या मिलने वाला है। तो ये देखिए आप, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है Redmi ने दिया है 67 वोट का फास्ट चार्जर, 67 वोट का फास्ट चार्जर, जो कि आपको पता है सैमसंग है आईफोन है आजकल चार्जर देना बंद कर दिया है क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी रहती है, लेकिन MI ने इस प्राइस रेंज में आपको चार्जर साथ में दिया और ये दिए उसने फास्ट चार्जिंग डाटा केबल। तो इसके अलावा बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ अच्छी है क्योंकि चार्जर दूसरी ब्रांड्स आजकल नहीं देने लगी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोन की, तो Redmi ने इसका बैक पैनल दिया मैट में जो कि ग्लास प्रोटेक्शन में होने वाला है, और मल्टी कलर दिया, मतलब तीन चार कलर इसमें मिक्स करें, ग्रीन पर्पल ब्लू लाइट ब्लू ऐसे कलर मिक्स करें, वो काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है। सबसे अच्छी चीज़ आपको देखने को यहाँ मिलेगी कि इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है जो कि काफ़ी प्रीमियम होने वाला है, मतलब 200 मेगापिक्सल आपको इस रेंज में फ्लेक्सी रेंज में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिला, काफ़ी मतलब सोचने वाली बात है कि ये इस प्राइस में होने वाला नहीं होता, लेकिन MI प्रोवाइड करा रहा है। अभी हम बात करते हैं फ़ोन की, तो फ़ोन का क्रोम बिल्कुल सिंपल दिया है, एकदम फ्लैट दिया है, जिसमें आपको मिलने वाला एक पावर की दो वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलने वाला है, ऊपर की साइड आपको मिलने वाला 3.5 mm का एक हैंड फ्री जैक। इसके अलावा आपको एक अच्छी चीज़ जो मिलने वाली है ये है कि स्पीकर इस साइड में भी मिलने वाला है, नीचे भी मिलने वाला है, डबल साइड डॉल्बी एटोम स्पीकर मिलने वाले हैं, जिससे आपका साउंड क्वालिटी MI ने बहुत इम्प्रूव किया है इस फ़ोन में, इस पूरी नोट सीरीज में इम्प्रूव किया है MI ने। तो इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे की साइड में आपको मिलने वाला है टाइप सी चार्जिंग जैक, यहाँ पे आपका सिम स्लॉट मिलने वाला है जिसमें आप दो सिम एक टाइम पर चला पाएंगे। बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो MI ने फ्रंट कैमरा दिया है 16 मेगापिक्सल का, जिससे आप अच्छी सी पोर्ट्रेट फोटो भी ले सकते हो। और बैक कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको मिलने वाले 200 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में आपको मिलने वाला प्राइमरी कैमरा में 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। तो इसमें आपको जो पिक्चर क्वालिटी आपको मिलने वाली है वो प्रीमियम क्वालिटी की मिलने वाली है, क्योंकि फ्लेक्सी सीरीज में 200 मेगापिक्सल अनबिलीवेबल, जो कि MI पॉसिबल कर सकता है ऐसा। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो आपको MI देने वाला है सुपर एमोलेड 6.6 बेजललेस LCD जो कि आपको 1.5 के रेजुलेशन के साथ में मिलने वाली है और 1800 nits का ब्राइटनेस होने वाला गाइस। तो ये क्वालिटी आपको वीडियो देखने में काफ़ी प्रीमियम दिखने वाली है, और साथ ही आपको गेमिंग में आपको ग्राफिक्स का क्या मजा आने वाला है, क्योंकि MI ने इस प्राइस रेंज में सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया है तो वो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। एक और बात अगर अपन करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, और ये काफ़ी फास्ट होने वाला है क्योंकि MI ने इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो किया है स्नैपड्रैगन 7S जेन 2 5G जनरेशन, तो ये काफ़ी फास्ट होने वाला है। अब अगर हम बात करने जा रहे हैं इसकी बैटरी की, तो MI ने इसमें बैटरी यूज़ किया है 5100 mAh का बैटरी यूज़ किया है, जो काफ़ी अच्छा बैटरी पिकअप देने वाला है। साथ में आपको बताइए कि इसमें 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया है, जिससे ये बैटरी ओनली 40 मिनट में आपको फुल चार्ज करके देने वाली है। और ये आपको मिलने वाला है तीन अलग अलग रेंज में, जिसमें आपको मिलने वाली 8128, 8256 और 12256 भी इसमें मिलने वाला है, तो इससे ये फ़ोन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे वीडियो